अयोध्यारे भारतर राष्ट्र मंदिर पुनः प्रतिष्ठा तथा देशर गौरव प्राण प्रतिष्ठार कार्य संपन्न होई छी। केवल से नुहे भारत लोकों आस्थार भी सम्मान होई, जनविश्वास सुदृढ़ होई छी। उत्तर प्रदेश विधानसभा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा बेले एभली कहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाँ गाँव में पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में गत 10 वर्ष होता विकास जनकल्याण तथा इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं जनता को अवगत कराता राम राज्य भावना सृष्टि करना पातन अंतर लोक योजन लाभ मिल अर्थ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास आई राम राज्य अवधारणा भी योगी मैं मात्र एक मंदिर नहीं था, मैं भारत का एक राष्ट्र मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के लोक आस्था का सम्मान हुआ है और भारत का जन विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित हुई है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वृद्धि हुई है, ये थल में भी हुआ है, नभ में भी हुआ है और जल में भी हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये क्रियाशील हो चुकी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होने जा रही है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं और प्रयागराज कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम चालू कर सकें। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।